चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्यारे वज़ाइफ और अमलियात आप तक पहुंचते रहें। वज़ाइफ जो होते हैं, अगर आप इनको शेयर करते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि आखिरत में आपके लिए बेहिसाब अल्लाह पाक सवाब रख देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपको ये इतना सवाब कहाँ से आया। नंबर दो, इतनी नेकी आपने की नहीं होती जितना आप दूसरों तक अपने ये इस्लाम की बात या वज़ाइफ पहुँचा कर अपने लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर तीन, नमाज और कुरान पाक लाजम पढ़ा करें। हो सकता है आपकी वजह से, आपकी बात फैलाने की वजह से कोई नमाज और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे। नंबर चार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे अमलियात और वज़ाइफ जो आप ही के फ़ायदे के लिए हैं और आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नंबर पाँच, अगर आप हमारे चैनल पर अपने किसी दोस्त वगैरह को लेकर आते हैं तो वो भी आप की तवज्जो से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इसका सारे सवाब भी आप तक पहुंचता रहेगा। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रात को सोने से पहले अल्लाह के ये दो नामा पढ़ लें, सुबह होते ही सख्त से सख्त तरीन हाजत आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको अपना मतलब कि रोजाना का मामूल बना लें तो यकीन माने ख्वाब में एक बुजुर्ग आते हैं सफेद दाढ़ी वाले, वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं जो ये जो है लफ्ज पढ़ते हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। आप ये पढ़ना शुरू कर दें, दो नाम है, पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं। यकीन माने मेरा खुद का आजमाया हुआ ये वजीफा है कि ज़ियारतें होना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो बातनी आपका मसला है वो भी हल हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे नज़ारे नजर आते हैं कि आपकी सोच है, यहां तक के मौत जैसी भी हाजत होगी ना अल्लाह पाक वो भी अगर खत्म कर देंगे। अगर आपको ये मसला है कि खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, आपको बीमारी की कोई हाजत के लिए दुआ करनी है तो आप ये दुआ करें। अगर आपको परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ है, आपको कोई परेशानी है तो आप ये दो लफ्ज पढ़ के सो जाएं। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, सोकर भी, सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, जब उठें तब भी पढ़ सकते हैं। दो फरिश्ते या हय्यू या कय्यूम के ताबे जो हैं वो मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो आपके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं और सुबह उठने तक आपका इंतजार करते रहते हैं ताकि सुबह जब आप उठो तो आपकी हाजत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो। वज़ाइफ असर रखती है, जिक्र ज़िक्रात असर रखता है। आप वज़ाइफ करते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, आप वज़ाइफ तो करते हो लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो फिर बताएं कि आपके जब अंदर रूहानियत ही नहीं है आपके वज़ाइफ कैसे कबूल हो। कोशिश करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। नंबर दो, अगर आप दिल से कोई अमल करते हैं और मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो कामयाब भी होता है और अल्लाह पाक कबूल भी करते हैं। हाजत कैसी भी हो, यहाँ तक के मुल्क में कहत साली हो, घर में कहत साली हो, रिस्क ना आता हो, तो आप ये जरूर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिस्क भी आने लग पड़ेगा और आपका जो है अपने दिल का सुकून आपको महसूस होगा, रहमतें और बरकतें होने लग जाएंगी। आप खुद भी ये वजीफा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी कह सकते हैं ये वजीफा करें। आप ये वजीफा आपकी अगर फैमिली करती है तो क्या ही बात है, आपकी फैमिली भी कर सकती है, आप ये वजीफा शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं। इस वजीफे से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो रुका हो, वो आप अदालत में, यहाँ तक के आपका कोई केस हो उसकी मंजूरी ना हो रही, आप ये वजीफा लाजमन करें, इससे बड़ी से बड़ी हाजत के लिए वजीफा है, या हय्यू या कय्यूम। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर मुश्किल परेशानी अल्लाह पाक खत्म करेंगे और वजीफा लाजमन करें क्योंकि वजीफा से ही अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होती हैं। कोशिश करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो अक्ल मजबूत रखें तो आप वो कुछ पा लेंगे, यकीन पाने जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ इसी वजह से कबूल नहीं होती क्योंकि आपकी दुआ में भी कहीं ना कहीं
शर्म होता है या शिर्क होता है, तो आप वो कुछ पा लेते हो अपने अमाल से, अपने तरीकों से, अपने वजायफों से, जो कभी भी आपको पहले नसीब ना हुआ हो। जब जना आम हो जाता है ना, तो अचानक मौतें बढ़ने लग जाती हैं, यानी जगह जगह से आवाज आने लग जाती है, आज उसकी मौत हो गई, आज उसकी मौत हो गई। जब मुल्क में भी जना आम हो जाए तो यकीन माने मौत आना शुरू हो जाती है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं, लोग कहत साली में डूब जाते हैं, रिस्क की कमी हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस गंदगी से आप सब दूर रहें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई, यहाँ मेरे चैनल पे वही लोग आते हैं जो अल्लाह का नाम लेने वाले होते हैं, और मेरी दुआ है उन बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक उनको वलियों में शुमार कर दे, अल्लाह पाक उनको वली बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वज़ाइफ को शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिले भी और उसका सालिस माफी आप तक पहुंचता रहे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।